हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको जो माला जाप करते हैं वो वाली पिरोना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें चाहिए ये धागा। वैसे तो माला में 108 मोती होते हैं, तो 108 ही मोती रखें ये धागा। और ये मेरे पास 16 मोती हैं तुलसी के। मैं इसको पिरोना सिखाऊंगी आपको, फिर आप 108 मणि वाली माला बना सकते हैं। ये छोटी सुई है और ये धागा है और ये कैंची है। अब जैसे ये मोती का छेद अच्छा चौड़ा सा है, इसमें बारीक छेद वाले भी आते हैं। अब इसको कैसे पिरोते हैं और कैसे गांठ लगाते हैं जो मजबूत भी बनी रहे और टिकाऊ भी बनी रहे, वो सब तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। मैंने ये तरीका वृंदावन में सीखा था मेरे गुरुजी से, तो ये मैं आपको सिखा रही हूँ। जैसे 108 मोती की माला होती है, तो उसमें कम से कम 5 मीटर धागा चाहिएगा। डबल अगर फोर ऐसे करोगे, 4 बार तो 4 बार कर सकते हो, 2 बार करोगे तो 2 बार कर सकते हो, और जितना मर्जी कर सकते हो आप धागे को। अब ये मैं 6 बार ऐसे करूँगा। बिल्कुल बराबर रखना धागे को। ये मैंने अभी मैं आपको काउंटिंग करके दिखा दूंगी और कैसे गांठ लगाते हैं वो सब सिखाऊंगी। ये जैसे धागा ये मैंने रेडी कर लिया है। ये इधर से ऐसे है और ये इधर से ऐसे है। अब इस धागे की मैंने कितनी परत ली है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। 1, 2, 3, 4 और 4 8। और मैं जो मोती पिरोना सिखाऊंगी सुई से, वो देखना, ये जैसे कट वाला धागा दोनों एक ही साइड आने चाहिए। ये नहीं है कि एक धागा उधर की साइड आए और एक धागा इधर की साइड आए, ये नहीं है कि कटिंग वाला एक धागा इधर नहीं आना चाहिए। दोनों धागे एक ही साइड आना चाहिए, या तो इधर आ जाए या इधर आ जाए। अब मैं ये मोती पोना सिखाऊंगी आपको। अब जैसे ये मोट आगे से कितना मोटा है, ये ऐसे नहीं पिरोया जाएगा, बहुत टाइम लगेगा ऐसे। मैं अब अब मैं एक आसान तरीका बताऊंगी जो आप बहुत जल्दी माला पिरो सकोगे। अब ये बारीक सुई है, ये जैसे ये बंद है ना इधर से पूरा धागा, और इधर से वो खुले वाला जो जो दो तीन तो ज्वाइंट हैं और बाकी दो खुले हैं, तो इधर से ऐसे ऐसे सिंपल वाला धागा लेके और इसको ऐसे डाल दो। अब जैसे ये इसमें से ऐसे डालना है, तो ये दोनों धागे हैं, इसको मैं सुई में पिरो लूँगी। ये दोनों धागे हैं, ये एक और दो। अब इसको दोनों को ऐसे करके ये दोनों धागे पिरो लिए हैं मैंने सुई में। अब मैं देखना कितनी जल्दी सारे मोती पिरो के आपको दिखाती हूँ।
अब इधर की साइड ऐसे गांठ लगा सकते हैं ताकि मोती बाहर नहीं जाएंगे तुलसी माला वाले, ऐसे नहीं, इधर सुमेरु, इधर सुमेरु भी बनाएंगे और मोती भी डालेंगे। ये देखो बिल्कुल आसान तरीका है। ऐसे करके आप 108 मणिये पिरो लेना, फिर मैं उसके बीच में गांठ कैसे लगाते हैं वो बनाना सिखाऊंगी आपको। ये मैंने सारे मोती कितने जल्दी पिरो लिए देखना, इस तरीके से मोती बिल्कुल बारीक छेद वाले मोती पिरो सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, बेस्ट तरीका है। अब मैं आपको गांठ लगाना सिखा दूंगी कि कैसे गांठ लगाते हैं इसमें। ये सुई निकाल लेती हूँ, ये सुई को इसमें लगा देती हूँ एक बार। अभी देखना ये इधर है, ऐसे किया, ऐसे किया और फिर ऐसे। ये वृंदावन में ऐसे पिरोते हैं, ये देखो। अब मैं इसको मूर्ति को ऐसे किया और फिर ऐसे किया दोबारा से उसी में, और फिर बिल्कुल इसके साथ करके, मोती के साथ करके ऐसे टाइट कर देना, बिल्कुल टाइट करना। अगर ढंग से टाइट नहीं करोगे तो एक एक धागा यहाँ से अलग अलग नज़र आएगा। अब ये तीसरा मोती लिया है मैंने, अब जैसे यूं उंगली करना, यूं घुमाना, मोती को इसके साथ ही रखना, फिर ऐसे निकाला, एक बार निकाल लिया और फिर दूसरी बार निकाल लिया उसी में से, और फिर ऐसे करना ऐसे टाइट से और फिर ऐसे। अगर ढंग से नहीं लगाओगे तो ये मोती हिलने भी शुरू हो जाएंगे और यहाँ से अलग अलग धागे नज़र आने लग जाएंगे अगर ठीक नहीं हुआ तो। ये देखो ये बहुत अच्छा तरीका है माला पिरोने का। ये देखो ऐसे किया और फिर इसी नोट में से फिर ऐसे घुमा दिया, फिर बता देते हैं। जैसे एक बार ऐसे किया हो गया, फिर दोबारा इसी धागे में से एक बार फिर घुमाना है और बड़ी सावधानी से इसको इसके पास लेके जाना आराम आराम से, और सब धागों को पकड़ के रखना, नहीं तो एक छोटा बड़ा धागा हो जाएगा तो माला में सफाई नहीं आएगी और अच्छी भी नहीं लगेगी देखने में। देखो ऐसे करके फेरते हैं ना माला, और फिर मैं आपको फेरने का तरीका भी बता दूँ कैसे फेरते हैं। अगर आप पूछोगे कि माला कैसे फेरते हैं तो वो भी मैं बता दूँगा। एक और करके दिखा देती हूँ, ऐसे यूँ किया फिर यूँ किया और फिर यूँ किया और फिर यूँ किया दोबारा से उसी में से, और मोती को बिल्कुल इसके साथ रखना और बिल्कुल सावधानी से
ऐसे देखो, बहुत ही सुंदर लगती है माला। फिर गले में पहनने वाली भी आपको पिरोना सिखा दूंगी, जैसे मैं मेरे स्टाइल से पिरोती हूँ। मैं घर में ही बनाती हूँ मेरी तुलसी माला पहनने वाली। ये ऐसे किया और ऐसे किया, और फिर मोती को ऐसे इसके नोक गांठ के पास ही रखें, और फिर इसको बहुत सावधानी से इसके पास लेके आए, और फिर इसको टाइट से खींच दें। ये देखो, बहुत ही सुंदर लगती है ये माला, और फेरने में बहुत मज़ा आता है इसको फेरने में। ऐसे करके काउंटिंग करेंगे ना ऐसे, अरे कृष्णा अरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अरे 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 राम, अरे राम 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 अरे, तो फिर आगे वाला मनिया, फिर आगे वाला मनिया, फिर आगे वाला मनिया, फिर ऐसे करके 108 मनियों की बनती है। और मैं फिर आगे, अगर आप बोलोगे पूरी माला पिरोनी सिखाओ तो मैं पूरी भी सिखा दूँगी। वैसे मैंने ये माला का बेस बता दिया है कैसे बनाते हैं। हम तो माला ऐसे ही बनाते हैं, और वृंदावन में भी ऐसे ही माला बनाते हैं। मैंने वृंदावन ही सीखा था माला पिरोना तो। और मैं ऐसी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। अगर आप बोलेंगे कि और कुछ सिखाओ, गोपाल की ड्रेस या कुछ और अलग से चीज़, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।